Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है, हर तरफ चेकिंग अभियान जारी है। 11 मील मिसरौद पर चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग को लेकर थाना प्रभारी विशाल मालवीय से खास बातचीत की गई। तहलका इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और हम उनसे अभी इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार की यहाँ पर चेकिंग जारी है। सर बहुत बहुत स्वागत है तहलका इंडिया न्यूज़ में आपका। धन्यवाद सर। किस प्रकार की अभी चेकिंग चल रही है आप 11 मिनट? ये बेसिकली शहर से बाहर जाने वाले जितने भी आउटर नाके हैं उन पे ये चेकिंग की जाती है और इसमें जो संदिग्ध वाहन, जो चोरी के वाहन, उसको मुख्यतः उसको चेक किया जाता है और इसके अलावा तीन सवारी और मास्क पे ज़्यादातर हमारा फोकस है। अभी मास्क और तीन सवारी पे चालानी कार्रवाई की जाती है और संदिग्ध जो चोरी के वाहन हो सकते हैं जो शहर की सीमाओं से बाहर जाते हैं, इसीलिए स्पेशली वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है कि आउटर नाकों पे चेकिंग की जाए जिससे कि कोई भी चोरी या किसी प्रकार का भी क्राइम है तो वो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। वाहनों को हम VDP पोर्टल है हमारा एक व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल, उस पर सर्च करते हैं। उसमें अगर कोई गाड़ी किसी अपराध में उपयोग हुई है, उसका कोई अपराध पंजीबद्ध है, वो भी चीज़ क्लियर हो जाती है। साथ ही गाड़ी का RC कार्ड चेक कर लेते हैं जिससे कि मालूम पड़ जाता है कि गाड़ी जो वाहन चालक है उसी की है या गाड़ी किसी संदिग्ध अपराध में उपयोग हुई है या चोरी की है। तो आपने ये सुना विशाल मालवीय जी ने, जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अधिकारी है, बिल्कुल आपसे विशेष तौर पे हम तहलका इंडिया न्यूज़ से भी पहल करना चाहते हैं कि घर से निकले बिल्कुल मास्क का प्रयोग करें और पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करें। तहलका इंडिया न्यूज़ कैमरा पर्सन अनु यादव, भोपाल।